हेलो एवरीवन, देखिए आज की वीडियो में BHU MPMIR से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल डिस्कस करते हैं। जैसे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट एंड एडमिशन प्रोसीजर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो ये BHU MPMIR का कोर्स है, ये MBA इन HR के इक्विवेलेंट कोर्स है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी क्या है, तो ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एंड CVT के थ्रू जो है, अगर आपने PGQP 40 का एग्जाम आपने दिया है, PGQP 40 का अगर आपने एग्जाम दिया है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ सीट जो है अप्रॉक्स 60 के अराउंड सीट है। फी जो है आपकी 60,000 पर एनम है, 2 साल की फीस आपकी 1,20,000 है। तो देखिए, अगर प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम PSU में प्लेसमेंट हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं ONGC कंपनी आती है, NTPC हो गया, Amazon हो गई, IBM, ICICI बैंक, ठीक है, मैक्सिमम PSU में प्लेसमेंट होती है। और पैकेज की बात करें तो 7-8 लाख के अराउंड पैकेज रहता है। ये सारा आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख सकते हैं। अब आपको कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिखाते हैं आपको, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि ONGC में प्लेसमेंट है, PSU में मैक्सिमम प्लेसमेंट होते हैं और पैकेज भी काफी अच्छा रहता है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें प्लेसमेंट हुआ है। फिर आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन मैनेजर इन अमेजॉन, ठीक है, इसमें प्लेसमेंट है। बैंक ऑफ इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेकॉन में, ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव HR प्लेसमेंट हुआ है। तो ये कंप्लीट कोर्सी जो है MBA इन HR के इक्विवेलेंट है और प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है। तो मैक्सिमम PSU में प्लेसमेंट है और पैकेज भी काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब बात कर लेते हैं कि एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा। अब देखिए, अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो CVT के मार्क्स काउंट होंगे आपके और 20% वेटेज जो है ये GDPI का होगा। लेकिन लास्ट ईयर केवल इंटरव्यू हुआ था, इस बार देखिए क्या होता है, जो भी होगा अपडेट आपको कर दिया जाएगा।